नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने प्लैंक पढ़ाते समय ये बोला था, उसके पहले हमने मैक्सवेल पढ़ा था। तो मैक्सवेल ने फोटो इलेक्ट्रिक ब्लैक बॉडी और हॉट बॉडी के बारे में, इस फेनोमेना के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। तो प्लैंक ने क्या बताया, एनर्जी के बारे में, इक्वल टू एच न्यू, उससे रिलेटेड हमारा फोटो इलेक्ट्रिक है। तो पहले इसको समझो कि फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है, फिर हम, तो ध्यान से समझना। मान लो हमने एक सोलर पैनल लिया, अब ये सोलर पैनल में, तुम लोग को अल्कली मेटल में पढ़ाया था, सोलर पैनल में किस मेटल का यूज किया जाता है, सीजियम एंड पोटेशियम, क्यों, उसके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या हो जाए, इजेक्ट आउट हो जाए, जल्दी से बॉन्ड तोड़ दे, क्योंकि उसका आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो मान लो हमने एक मेटल लिया, मेटल का प्लेट लिया जो सोलर पैनल में हम लेते हैं, और इस मेटल में मान लो हमने सीजियम यूज किया है, तो सीजियम के अंदर जो बॉन्ड बना होता है, सीजियम क्योंकि मेटल है तो सीजियम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड जो बनता है वो मेटल के केटाइन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनता है। उसके अंदर मेटल के अंदर याद रखना कि मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड बनता है और मेटल के केटाइन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं। तो ये हमने पैनल ले लिया, इस पैनल में हमने क्या यूज किया, सीजियम। तो सीजियम के इलेक्ट्रॉन और इसके केटाइन के बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा है, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में जो फोर्स निकालते हैं उसको कूलंबिक लॉ के नाम से भी जानते हैं। कूलंबिक लॉ मतलब KQ1Q2/r², जो फोर्स निकाला जाता है। तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो आप, या इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, और जो फोर्स निकाला जाता है वो कूलंबिक लॉ से निकाला जाता है, और कूलंबिक लॉ में जो फॉर्मूला आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू KQ1Q2/r². तो कुल मिला के ये है कि मेटल के ऊपर यहाँ मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है, और हमने मेटल केटाइन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो हमने सीजियम क्यों लिया, क्योंकि सीजियम से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आसानी से निकल जाते। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस पैनल के ऊपर जब हम टेरिस में रखते हैं तो सनलाइट इसके ऊपर क्या होता है, इंसिडेंट होता है, कोलिजन होता है सनलाइट के अंदर। और कल हमने भी बोला था कि इसके अंदर पैकेट ऑफ क्या है, एनर्जी है, जिसको हमने क्वांटा का नाम दिया था। और सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होता है वो एनर्जी किसके फॉर्म में, क्या बोलते हैं उस क्वांटा को, फोटोन नाम देते हैं। तो ये एनर्जी इस सोलर पैनल को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो जब एनर्जी ये गेन करेगा सोलर पैनल, क्योंकि इसके अंदर पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कैसे निकालते थे कल, इक्वल टू एच न्यू निकालते थे ना, तो उसी से रिलेटेड है चीजें। तो यहां इस पैकेट में रेडिएशन, जो सनलाइट है उसके अंदर जो रेडिएशन है उसका जो एनर्जी है वो एच न्यू नॉट है। तो हम एच न्यू नॉट हम अलग से पढ़ेंगे, पहले तुम्हें मैं समझा दे रहा हूं नॉर्मल वर्ड में इसका क्या मीनिंग है। मान लेते हैं जो सनलाइट है उसके अंदर जो एनर्जी है हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हमने मान लिया 50 जूल है, हमने ज्यूम कर लिया, इस सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है वो 50 जूल है। अब ये एनर्जी से ट्रांसमिट हो रहा है, अब 50 जूल में से क्या करेगा, यहां पर बॉन्ड बना हुआ है सीजियम और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इस 50 जूल में से ये कुछ एनर्जी का यूज करेगा इस बॉन्ड को तोड़ने में। जैसे ही इस पे रेडिएशन लाइट इंसिडेंट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। तो ये बॉन्ड को हम ये चाहेंगे कि हम ऐसा मेटल ले ताकि वो आसानी से क्या कर सके, अपना बॉन्ड ब्रेक कर सके, क्योंकि अगर आयरन वगैरह ले लेंगे तो जल्दी बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा। तो हम ये चाहेंगे कि जल्दी से बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो ये 50 जूल एनर्जी हमने इसको दिया, मान लिया हमने, तो 50 जूल में से कुछ एनर्जी का यूज बॉन्ड को ब्रेक करने में होता है, यानी इस एनर्जी का पहला कंजप्शन किसने किया, टू ब्रेकिंग दी बॉन्ड।
तो पहला एनर्जी का कंजप्शन जो हुआ वो मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने में किया, पहला मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने में उसने कंज्यूम किया। मान लेते हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने में 20 जूल कंज्यूम किया और ये बॉन्ड टूटने के बाद ये सरफेस पे जाने लगते हैं, तो बहुत सारे सीजियम होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड अपना तोड़ लेता है तो ये इसका मूवमेंट सरफेस की तरफ हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं, सरफेस की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो इस 50 जूल का पहला कंज्यूम उसने किस में किया, 20 जूल उसने बॉन्ड को तोड़ने में किया। किस बॉन्ड को तोड़ने में? मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने में। समझ में आ गया? अब ऐसा समझा रहा हूं मैं तुम्हें, मान लो इसका ये जो एनर्जी है 20 जूल है, लेकिन इसके पास केवल 10 जूल एनर्जी है, तो क्या इसके बॉन्ड को तोड़ पाएगा? नहीं, तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हो पाएगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक होने के लिए इस मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़ने में इससे इसका ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। अगर कहीं एनर्जी कम रहा तो ये बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा और उसमें फोटो इलेक्ट्रिक देखने को हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हम सीजियम वगैरह का यूज करते हैं ताकि आसानी से, क्योंकि सनलाइट के पास तो फिक्स एनर्जी है, उसको तो हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ऐसा मेटल यूज किया जाता है ताकि आसानी से क्या हो जाए, बॉन्ड को ब्रेक कर जाए। और ऐसे भी सीजियम के अंदर आयोनेशन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है। तो आयोनेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी। तो एनर्जी हम लाइट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ना है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। समझ में आया क्या? तो इससे अगर कम एनर्जी रहा तो वो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो पहला 50 जूल का कंजम्पशन कहां हुआ, बॉन्ड को ब्रेक करने में, और इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, सरफेस की तरफ। अब बाकी कितना बच गया एनर्जी, 30 जूल। तो 30 जूल क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देने में हम यूज करेंगे। यानी 30 जूल का जो कंजप्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से वायर के थ्रू, यानी उसके अंदर मोशन आ जाएगा और वायर के थ्रू हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके वायर में हम इसका मोशन करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। और जैसे हम वायर के अंदर मोशन करवाते हैं और इस बैटरी के अंदर क्या कर लेते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम स्टोर कर लेते हैं, उस बैटरी को हम स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका यूज करते हैं, बैटरी में सोलर पैनल में बैटरी लगा रहता है ना, उसके बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो 50 जूल का कंजप्शन दो जगह हुआ, पहला कंजप्शन कहां हुआ, टू ब्रेक दी बॉन्ड, और दूसरा कंजप्शन कहां हुआ, इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तभी तो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू मूव करेगा तो इस बैटरी में स्टोर होगा। तो 50 जूल का कंजप्शन दो तरीके से हुआ, पहला कंजप्शन टू ब्रेकिंग दी बॉन्ड और दूसरा कंजप्शन काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान देना, अब इसको हमने तो ऐसे समझा दिया, अब थोड़ा सा इसको टर्मोलॉजी में समझाते हैं। अब मान लो उसने इस बॉन्ड को ब्रेक किया और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन सरफेस पे गए, तो बॉन्ड को ब्रेक करना और सरफेस पे जाना उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको, वर्क फंक्शन। तो इस 50 जूल का एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू एच न्यू। तो याद रखना ये 50 जूल, इसलिए मैं दोनों वर्ड से समझा रहा हूं। इस 50 जूल का एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्वल टू एच न्यू। कल ही कैलकुलेट कर रहे थे, एनर्जी निकाल रहे थे, एनर्जी इक्वल टू, यानी ये एनर्जी कौन सा है, एनर्जी ये कौन सा है जो रेडिएशन के अंदर है, जो सनलाइट के अंदर है, इक्वल टू। अब बॉन्ड को ब्रेक करना और बॉन्ड को ब्रेक करके सरफेस पे लेके जाना, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। किस नाम से जानेंगे, तो वर्क फंक्शन। समझ में आ गया, वर्क फंक्शन। यानी वर्क फंक्शन का क्या मीनिंग समझोगे, जब लाइट पड़ा होगा, बॉन्ड टूटा होगा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहां गए होंगे, सरफेस पे, उसको हम किस नाम से जानेंगे। और इस 30 जूल को किस नाम से जानेंगे, काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानेंगे।
यानी जो ये रेडिएशन के अंदर जो सनलाइट के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी का कंजम्पशन दो जगह हुआ, एक वर्क फंक्शन में यानी मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने में और उसको कहां लेके जाने में, सरफेस पे लेके जाने में, और बाकी जो 30 जूल है उसको काइनेटिक एनर्जी में यूज किया गया और वायर के थ्रू यहां आ रहा है, कोई डाउट इसमें? अब ध्यान देना, तो यहां ई इक्वल टू, अब वर्क फंक्शन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहां हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी, यहां लिख देंगे हम काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ गया? अब ध्यान देना, एक यहां वर्ड यूज किया जाता है थ्रीसोल्ड, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीसोल्ड एनर्जी, थ्रीसोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रीसोल्ड का मैं मीनिंग समझा रहा हूं तुम्हें, तो थ्रीसोल्ड ऐसा नहीं हमें ये टर्मोलॉजी फिजिक्स से केमिस्ट्री से ही लेना देना है। अब मान लो तुम पेपर दे रहे हो और 100 नंबर का पेपर है, तुम्हें पासिंग के लिए कितना चाहिए होता है, 30 नंबर। यानी अगर वो 30 नंबर तुम्हारा क्या है, बाउंड्री लाइन है, अगर तुम 30 नंबर से एक नंबर भी कम लाओगे तो फेल हो जाओगे, और 30 नंबर से एक नंबर भी ज्यादा लाते हैं तो पास होते हैं, जितना ज्यादा लाए उतना चलता है। यानी वो बाउंड्री लाइन 30 नंबर, यानी 30 नंबर इसको क्रॉस करना है, करना है ना। अब इसके अंदर ये बॉन्ड को तोड़ने में 20 जूल एनर्जी लग रहा है, अगर इसके पास 10 जूल है तो क्या इसको तोड़ पाएगा? नहीं, इसका मतलब उसमें फोटोइलेक्ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा, यानी इसके पास 20 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो वो मिनिमम एनर्जी जो इसको बॉन्ड को तोड़ सके, और तोड़ के कहां लेके जाए, सरफेस पे लेके जाए, यानी वो मिनिमम मार्क्स जिससे तुम पास हो जाए, दैट इज नोन एज थ्रीसोल्ड। तो थ्रीसोल्ड जब जब वर्ड आएगा तो वो मिनिमम मार्क्स, जैसे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो मिनिमम मार्क्स जिससे हम पास हो सके, तो 30 हमारा क्या है, थ्रीसोल्ड मार्क्स हो गया। यानी वो मिनिमम एनर्जी जो इस बॉन्ड को तोड़ सके, यानी इसमें मिनिमम 20 जूल रिक्वायर्ड है, तो वो मिनिमम एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रीसोल्ड एनर्जी। यानी अगर थ्रीसोल्ड एनर्जी दिया जाए तो इस चीज से हमें दिमाग में क्या आना चाहिए कि उससे अगर कम एनर्जी इस रेडिएशन के पास है, और मान लो इसके पास ये लाइट जल रहा तो इसके पास तो हम सोलर पैनल रखते नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास उतना एनर्जी नहीं है जो इसके बॉन्ड को क्या कर सके, तोड़ सके। तो वो मिनिमम एनर्जी जो इस बॉन्ड को क्या करे, तोड़े और सरफेस पे लेके जाए, दैट इज नोन एज थ्रीसोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? तो ये वर्क फंक्शन जो है वो इक्वल टू, ये मतलब बॉन्ड को तोड़ना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, तो यहां पर वर्क फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, थ्रीसोल्ड एनर्जी। यानी मैं यहां ई नॉट लिख सकता हूं, यानी बॉन्ड का ब्रेक होना, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो बॉन्ड का ब्रेक होना और सरफेस पे लेके जाना, दैट इज नोन एज थ्रीसोल्ड एनर्जी। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि W को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन समझ में आ गया क्या है, डिफिनेशन नहीं जानना, वर्क फंक्शन समझ में आया क्या है, बॉन्ड को तोड़ना सरफेस पे लेके जाना, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन क्या बोलता है कि हमारे अंदर इतना एनर्जी दोगे तब हम तोड़ेंगे, अदरवाइज इसके कम दोगे तो हम नहीं तोड़ेंगे, ज्यादा दोगे तो चलता है, जैसे तुम्हारा मार्क्स ज्यादा आया तो चलता है, लेकिन मिनिमम 30 आना चाहिए, ज्यादा आएगा तो उसका कंजम्पशन कहां करेगा, काइनेटिक में, लेकिन मिनिमम 20 से ज्यादा होना चाहिए, अगर 20 जितना ज्यादा रहेगा उतना ही और अच्छा बात है, लेकिन 20 से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो हमने 20 यहां यूज किया है, एक दूसरे से मैं रिलेट कर रहा हूं, 20 इज वर्क फंक्शन, यानी बॉन्ड को तोड़ना और सरफेस पे लेके जाना। वर्क फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको कहीं कहीं फाई से भी रिप्रेजेंट किया, तो वो अलग से बता देंगे। और वर्क फंक्शन हम क्या बोलेंगे, थ्रीसोल्ड एनर्जी के टर्म में। तो केवल थ्रीसोल्ड एनर्जी नहीं होता है, हम इस एनर्जी को टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू एच न्यू। अगर ये थ्रीसोल्ड एनर्जी है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इस बॉन्ड को क्या करे, तोड़े, तो दैट इज नोन एज थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओ मिनिमम लेमडा जो इस बॉन्ड को क्या करे, तोड़े, दैट इज नोन एज थ्रीसोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रीसोल्ड का मतलब होता है ओ मिनिमम, जिससे हमारा वो काम वहां से स्टार्ट हो जाए, जैसे मार्क्स है तुम्हारा, वो बाउंड्री लाइन है, यानी इसके पास उतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जो इस बॉन्ड को क्या कर दे, तोड़ दे, उतना वेवलेंथ होना चाहिए जो इस बॉन्ड को क्या कर दे, तोड़ दे, क्योंकि एनर्जी से न्यू रिलेटेड है, एनर्जी से लेमडा रिलेटेड है,
तो थ्रीशोल्ड वर्ड जब जब आए तो सोचना कि ओ मिनिमम एनर्जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, बाकी पार्ट एनर्जी में जाएगा। वर्क फंक्शन को W से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें ओ मिनिमम एनर्जी होगा यानी ई नॉट होगा, यानी ई नॉट इज नोन एज थ्रीशोल्ड एनर्जी। कोई डाउट है? अब मैं एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे? E इक्वल टू एच न्यू, जो इसके अंदर एनर्जी हो कैसे मैं निकाल रहा हूं, एच न्यू, उसमें से कुछ एनर्जी का कंजप्शन उसने क्या किया बॉन्ड को तोड़ने में यानी वर्क फंक्शन में। तो इस वर्क फंक्शन को हम E नॉट से रिप्रेजेंट करें और कैसे लिखेंगे, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, यानी 20 जो इसमें से कंज्यूम हुआ है उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एच न्यू नॉट, और बाकी जो 30 एनर्जी है वो किसमें लेके चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि E नॉट इक्वल टू थ्रीशोल्ड एनर्जी, इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E नॉट H न्यू नॉट। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? तो H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी इस 50 जूल का डिवीजन दो में हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन्स का इसी को बोलते हैं, इस सब जितने फेनोमेना हो रहा है दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब लाइट, कल बताया था फोटोन, तो फोटोन जब इससे इंसिडेंट होता है तो उससे करंट जनरेट करवाते हैं और इन सब फेनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हो गया सबको? और इस पे न्यूमेरिकल्स आएगा इसलिए मैं ऐसे समझाया तुम लोगों को। कोई डाउट है? तब यहां से बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है। अब इस फॉर्मूले में अलग अलग तरीके से कभी वर्क फंक्शन पूछता है तो कभी लेमडा पूछ लेगा, कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो यहीं से निकालेंगे, E इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, जो पूछेगा वहां से निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी पूछा तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वर्क फंक्शन पूछा तो हम वर्क फंक्शन एच न्यू के बराबर लिख देंगे। समझ में आ गया? तो आप अपने वॉल्यूम के जो 11th नंबर पेज पे लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ो और पढ़ के फिर समझो कि क्या क्या लिखा हुआ है। पढ़ो उसको। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन मतलब बाहर जाना, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहा है, क्योंकि सारे लाइट में हम फोटो इलेक्ट्रिक को नहीं बोल सकते, यानी उसके पास सुटेबल एनर्जी होना चाहिए तब ना उसको तोड़ेगा, तब ना फोटो इलेक्ट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्ट्राइक इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी सोलर पैनल के ऊपर सनलाइट के यानी सफिशियंट एनर्जी वाले रेडिएशन को इंसिडेंट होना, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होना, बाहर जाना, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना और फिर हम उसको बैटरी में स्टोर करना, इन सब फेनोमेना को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, फोटोन से रिलेटेड है और उससे करेंट जनरेट करवा रहे हैं हम और सारे इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड तोड़ सके और सरफेस पे जा सके दैट इज नोन एज थ्रीशोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रेडियली एग्जिबिट बाई अल्कली मेटल लाइक पोटेशियम रिबिडियम और सीजियम, इन्हीं को क्यों लिया जाता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ना क्या है, आसान है, तो हम ये चाहेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी में ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट क्या है, ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड, ए पार्ट ऑफ मतलब बचा हुआ पार्ट, एक पार्ट कहां कंज्यूम हो गया, वर्क फंक्शन में, बॉन्ड को तोड़ने में, मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने में, ए पार्ट ऑफ
एनर्जी मतलब बचा हुआ पार्ट ऑफ फोटोन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एट्रैक्टिव फोर्स एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी उस 50 जूल का एनर्जी में दो का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, एक मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने में जिसको मॉर्फ फंक्शन का नाम देते हैं, और एक कहां यूज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। तो उस एनर्जी को E इक्वल टू क्या लिखा है, W प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखा है ना, वेयर W इक्वल टू वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां लिखा है मैंने E नॉट या H न्यू नॉट। तो जब थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए आएगा तो क्या करोगे, E इक्वल टू H न्यू नॉट, या दूसरा तरीका क्या है, ये सब डेटा दिया जाए तो उसमें से माइनस कर सकते हो। अब ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, अब इसी को इधर से उधर कर सकता है। तो E के बदले क्या लिखा है, H न्यू, और वर्क फंक्शन के बदले क्या लिखा है, H न्यू नॉट। तो न्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतना चाहिए, उसके नीचे अगर होगा तो नहीं हो पाएगा, और उसको लेमडा में बदल के दिखाया उसने, ठीक है। अब जो एक दो पॉइंट और है वो हम आगे बात कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को राइट डाउन करोगे, अब हम चाहेंगे तो इसको और लेमडा वगैरह में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला इतना ही याद रखना है। तो मैं कर दे रहा हूं, बट आगे का जो फॉर्मूला होगा वो बेसिक, यहीं से सब कुछ क्लियरिटी आ जाती है। तो हम चाहेंगे तो इसको लेमडा में बदल सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है, एस सी अपॉन लेमडा। ये यहाँ एस सी अपॉन क्या लिख देंगे, और प्लस क्या लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। अब इसको हम चाहे तो और भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा माइनस एस सी अपॉन। ये फॉर्मूला रटने को जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब न्यूमेरिकल्स आएगा, एस सी एस सी कॉमन निकाल देंगे, एस सी यहां क्या हो जाएगा, वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन, कोई डाउट है। और काइनेटिक एनर्जी के बदले क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। एम किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ भी बोलो, यहां से हम ये बेसिक फॉर्मूला यही है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये है, एक दूसरे में कन्वर्ट करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। और एक फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, या ये भी याद रख सकते हो, लेमडा में बदलना है इसको भी याद रखो तो चलता है, अगर फ्रीक्वेंसी में बदलना है तो फ्रीक्वेंसी में बदल दो, लेमडा में बदलना है तो लेमडा में बदल दो, क्योंकि एनर्जी को हम लेमडा में बदल सकते हैं, एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी में बदल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकाल सकते हैं और वेवलेंथ से एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बेसिक मेन ये फॉर्मूला याद रखना, और ई नॉट का वैल्यू क्या याद रखोगे, एच नी नॉट। कभी कभी वर्क फंक्शन अलग से क्वेश्चन पूछता है, तो वर्क फंक्शन के लिए क्या देना पड़ेगा उसको, अब एक फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करेगा और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या निकालोगे, वर्क फंक्शन, और फ्रीक्वेंसी से क्या निकालोगे, तो अगर दो वर्ड की यूज किया, एक फ्रीक्वेंसी दिया और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का यूज कहां कर रहा है, वर्ड फंक्शन में, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी उससे क्या निकालोगे, टोटल एनर्जी निकालोगे, यानी 50 वाला का वैल्यू इससे निकालोगे और 20 वाला का वैल्यू इससे निकालोगे। ये क्लियर हो गया सारे चीजें, तो वॉल्यूम के सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। अब ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, हालांकि उसको बाद में फिर डिस्क्राइब करेंगे। तो ये क्लियर हो गया सबको, तो वॉल्यूम के पेज नंबर 9 पे जितने पॉइंट्स है उसको राइट डाउन कर लेना है, और ये डायग्राम निकाल लेना है, स्टार्टिंग में उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलो पर इतना लिख लो, फिर हम इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि गर्मी के दिनों में बैटरी ज्यादा चार्ज क्यों होता है, और मतलब समर के डेज में बैटरी ज्यादा चार्ज होता है और विंटर में कम चार्ज होता है, ऐसा क्यों, तो हम यहाँ इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो इतना नोट डाउन कर लो, तो थ्योरी कहाँ से लिखना है, वॉल्यूम से, तो राइट डाउन, और इक्वेशन यहाँ से लिख लो। कोई डाउट किसी को, या न्यूमेरिकल आएगा तब डाउट आएगा, एक कुरकुरे कौन रखा है बैग में, कुरकुरे भी रखते हैं क्या, वो रुकने वाली है ना, इसलिए खाने के लिए।
फिर कुरकुरे क्यों? इसलिए कुरकुरे खाते हो। यहाँ बाद में जब प्रॉपर क्लास चलेगा ना तो कैंटीन मिलता है। अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, अब धीरे 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 धीरे, अभी बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भेजते ना, धीरे 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 दिसंबर एंड होते होते प्रॉपर चलने लगेगा। इसको राइट डाउन करो जल्दी से, नहीं नहीं यही लिखना है, इसके बाद आगे पॉइंट समझाना है मुझे, तो इतना पहले लिख लो, इसके बाद आगे समझा। 5 मिनट में पूरा लिख लेंगे हम, लिखो जल्दी से। क्या क्या समझ में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? फोटो फोटोन जब, अच्छा ये बताओ मेरे को, इस चीज को मैक्सवेल क्यों ना एक्सप्लेन कर पा रहा था? क्योंकि मैक्सवेल को इक्वल टू एच न्यू मालूम था क्या? नहीं, इक्वल टू एच न्यू किसने बताया? क्लैंक ने बताया, इसलिए सब चीज इस फेनोमेना को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। ध्यान से इसको पढ़ना, इसलिए कि इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वॉल्यूम में न्यूमेरिकल्स है भी। ये पहले व्हाइट बोर्ड पे जितना लिखा हुआ इक्वेशन इसको लिख लो, उसके बाद थ्योरी लिखना है। अगर थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी रहा तो फोटोइलेक्ट्रिक नहीं दिखेगा, यानी करंट का निकलना वहां पर हम नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा भी। और समझ सकते हो कि सीजियम और पोटेशियम क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाल दिया जा सकता है, यानी लाइट के पास उतना सफिशियंट एनर्जी होता है कि उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और इलेक्ट्रॉन्स को वहां से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो व्हाइट बोर्ड पर इतना लिखा हुआ इक्वेशन लिख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी से सोल्व होगा। ओके, कोई डाउट नहीं है ना? थैंक्स टू ऑल।